बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.4। इसका हमने लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है 5, जिसके हम फर्स्ट 4 पार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट 5th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। 5th पार्ट हमारे पास क्या है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेट e पावर 2x माइनस साइन x प्लस 2 cos x dx। यहां पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये e की पावर 2x को सबसे पहले हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ, ठीक है। ये बन जाएगा e की पावर 2x माइनस साइन x प्लस e की पावर 2x मल्टीप्लाई 2 और साथ में cos x dx, ठीक है। अब इसमें कौन सा फंक्शन हमारे पास fx है, कौन सा हमारे पास डेरिवेटिव f प्राइम x है, कौन सा gx है, कौन सा g प्राइम x है, ये सारी चीजें हमने यहां पे देखनी है। देखिए, अगर यहाँ पे cos x को हम फंक्शन मान लें, मतलब f of x मान लें, तो f x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, f prime x, मतलब cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। ये हमारे पास f prime x आ गया, दरमियान में प्लस का साइन है, ठीक है। अब आपको बताया था प्रोडक्ट रूल में कि अगर हमारे पास एक f of x फंक्शन होता है तो दूसरा हमारे पास क्या होता है, g prime of x, मतलब एक अगर सिंपल फॉर्म में है तो दूसरा डेरिवेटिव की फॉर्म में है, और अगर एक डेरिवेटिव की फॉर्म में है तो दूसरा सिंपल फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्रैकेट है बनी हुई, ये सारा प्रोडक्ट रूल है आपके पास, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव gx fx, ठीक है, और प्लस सॉरी ये dx, ठीक है। ये देखें ना, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले पे डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट वाले पे डेरिवेटिव, सेकंड वाला एज इट इज, dx dx से कर देगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कर देगा, आपके पास आंसर आ जाएगा gx fx plus c। बेटा gx हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या है, gx हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे e की पावर 2x और fx हमने यहाँ पे लिया था cos x और plus c, ठीक है। ये हमारी इंटीग्रेशन आ गई है इसकी, ठीक है। ये हमारा था फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अब जो है सिक्स पार्ट में मूव करते हैं। सिक्स पार्ट हमारे पास क्या है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेट x e की पावर x ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे dx, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखें तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाली फॉर्म नहीं बना रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाली फॉर्म बनाएंगे कैसे। बेटा देखें, हम यहाँ पे इज इक्वल टू इंटीग्रेट, बेटा नीचे आप देख सकते हैं, ऊपर और नीचे देखें वेरिएबल जो x है, देखें पहले आप इस तरह कर लें, e पावर x को बाहर ले जाएं, ठीक है। ऊपर और नीचे देखें, अगर वेरिएबल x है तो क्या करेंगे, जो नीचे है वही हम ऊपर बनाएंगे, किस तरह से, नीचे x के साथ 1 ऐड हो रहा है, ऊपर आप देख सकते हैं x के साथ कोई 1 ऐड नहीं हो रहा, तो 1 ऐड करेंगे x के साथ और माइनस 1 करेंगे, ठीक है। प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया, ठीक है, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओवर 1 प्लस x का होल स्क्वायर, यहां पे ब्रैकेट भी लगा लें, इज इक्वल टू इंटीग्रेट, अब 1 प्लस x को आप रेदर डिवाइड कर लें 1 प्लस x के होल स्क्वायर से, और माइनस 1 को आप रेदर डिवाइड कर लें 1 ओवर 1 प्लस x के होल स्क्वायर से, यहाँ पे e की पावर x और साथ में dx भी आपने लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। अब आप यहां से देखें, ये एक पावर जो है वो ये दो पावर से खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस x माइनस 1 ओवर 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे e की पावर x और dx, ठीक है। तो e पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, e पावर x इंटू 1 ओवर 1 प्लस x माइनस e की पावर x 1 ओवर 1 प्लस x का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। अब आप चूज करें इसमें fx कौन सा है, f prime x कौन सा है। बेटा देखें, अगर हम 1 ओवर 1 प्लस x को फंक्शन मान लें, ठीक है, तो फंक्शन मान लें अगर, तो 1 ओवर 1 प्लस x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए 1 ओवर 1 प्लस x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस x की पावर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर लें तो माइनस 2, ये बन जाएगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखें 1 ओवर 1 प्लस x का, बल्कि इसके साथ माइनस आ रहा है, तो माइनस कहां से लेके आएंगे, बेटा देखें प्रोडक्ट रूल हमने इसको बनाना है, तो प्रोडक्ट रूल में तो प्लस होता है, तो यहां पे माइनस की जगह हम कर देंगे प्लस, और इसका जो माइनस है वो हम यहां पे शफल कर देंगे, यानी कि सेकंड वैल्यू के साथ, मतलब इस वैल्यू के साथ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अगर fx है तो ये हमारे पास क्या बन गया, f प्राइम x, ठीक है। ये अगर f प्राइम x है तो ये हमारे पास क्या बन गया, g ऑफ x, दरमियान में प्लस का साइन है, और ये हमारे पास अगर f ऑफ x था तो ये हमारे पास है g प्राइम ऑफ x, ठीक है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट भी आप लगा सकते हैं, तो ये बन गया हमारे पास डेरिवेटिव gx
एफ एक्स और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है, ये डेरिवेटिव डेरिवेटिव से कैंसिल, मतलब डीएक्स डीएक्स से कैंसिल, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा जी एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब जी एक्स हमारे पास किसके बराबर है, ई की पावर एक्स के, ठीक है, और हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, वन ओवर वन प्लस एक्स के और प्लस सी। तो बेटा ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई है इस क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब इसके जो है वो सेवन पार्ट पे मूव करते हैं। जी बेटा सेवन पार्ट क्या है हमारे पास, सेवन पार्ट देखे हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट ई की पावर माइनस एक्स कोज एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स। जी बेटा यहां पे क्या करेंगे, e की पावर माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले e की पावर माइनस एक्स कोज एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है, और यहां पे डी एक्स आ गया, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें बेटा अगर मैं यहां पे देखें इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स कोज एक्स, बेटा ये जो माइनस है इसको मैं प्लस ले लेता हूं e की पावर माइनस एक्स, और इस माइनस को, ये माइनस कहां गया, मैंने साइन एक्स के साथ प्लेस कर दिया। अब इसकी मैं आपको वजह भी बता दूं मैंने ऐसा क्यों किया। बेटा देखें अगर मैं इसमें कोज एक्स को फंक्शन कंसीडर करता हूं तो मेरे पास कोज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, मतलब ये मेरे पास एफ प्राइम एक्स है। मतलब आपको एफ एक्स और एफ प्राइम एक्स चूज करने की जरूरत है, अगर आपको एफ एक्स और एफ प्राइम एक्स पता चल जाता है तो आपको ये वाली चीजें वैसे ही पता चल जाएंगी, क्योंकि बेटा एक अगर फंक्शन है तो दूसरा डेरिवेटिव की फॉर्म में है, और अगर एक डेरिवेटिव में है तो दूसरा फंक्शन यानी कि जी ऑफ एक्स दरमियान में प्लस का साइन है, इंटीग्रेट इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू हमने एक्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास डेरिवेटिव बन गया यानी प्रोडक्ट रूल बन गया जी एक्स एफ एक्स का, ठीक है, और साथ में डी एक्स, ठीक है। अब यहां से डी एक्स डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया जी एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो वट इज जी एक्स, जी एक्स की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे एक हमने यहाँ पे गलती की है, क्वेश्चन में एक गलती हो गई यहाँ पे हमारी, ठीक है, वो आप जरा देखें, वो ये है कि बेटा देखें अगर e की पावर माइनस एक्स है कोज एक्स है, देखें दरमियान में बेटा हमने प्लस तो लगाने लगाना है, आप इसमें ये कर लें कि माइनस को शफल कर लें किसके साथ, e की पावर माइनस एक्स के साथ, मैं इसकी वजह आपको बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, करेक्शन हम साथ में कर लेते हैं। बेटा साइन एक्स को हम फंक्शन मानेंगे और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या मानेंगे, कोज एक्स यानी कि एफ प्राइम एक्स, ठीक है, दरमियान में आप देख सकते हैं प्लस का साइन है, ये हमारे पास अगर एफ एक्स है तो ये हमारे पास जी प्राइम एक्स है, और ये अगर एफ प्राइम एक्स है तो ये हमारे पास जी ऑफ एक्स है, ठीक है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या बन गया, प्रोडक्ट रूल बन गया आपका, मतलब ये डेरिवेटिव बन गया आपका, प्रोडक्ट रूल बन गया, मतलब जी एक्स एफ एक्स इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स आ गया, ठीक है, dx dx से कैंसिल, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाएगा gx fx और प्लस c। अब आपने gx किसको माना था, e की पावर माइनस एक्स को, और बेटा fx आपने किसको माना था, साइन एक्स को, ठीक है, और प्लस c उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा बेटा आगे एट पार्ट है इसका, एट पार्ट, अब आप यहाँ पे जरा देखें, जी बेटा एट पार्ट क्या है आपके पास, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट ई की पावर एम टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अच्छा बेटा ये वाला जो पार्ट है ये बाकी पार्ट्स की तरह हल नहीं होता, इसकी जो टेक्निक है वो थोड़ी सी अलग है, ठीक है, वो क्या है बेटा, यहाँ पे जो टेंजेंट इनवर्स एक्स आ रहा है, आप एक काम कर लें इसको लेट कर लें आप यू के बराबर, ठीक है, मतलब टेंजेंट इनवर्स एक्स को अगर मैंने यू लेट कर लिया तो मुझे इसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि यू का डेरिवेटिव हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स, बट टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ से डी एक्स जो डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डी यू इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स। अब जरा देखिए क्वेश्चन को मैं किस फॉर्म में लिखने लगा हूं, ई की पावर एम टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है इसको मैं 1 ओवर की फॉर्म में करके अलग कर देता हूं, 1 over 1 plus x square और साथ में dx, तो ये बन गया e की पावर m और tangent inverse x हमारे पास किसके बराबर है, tangent inverse x हमने u के बराबर लिया है, और ये पूरी टर्म मेरे पास किसके बराबर है, यहाँ पे du के, ठीक है। अब मैंने इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से करनी है, u के रिस्पेक्ट से, तो बेटा e की पावर m u की इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर m u, और बाद में
पावर बाय डेरिवेटिव, बेटा एम यू, एम यू बाय डेरिवेटिव होगा एम, क्योंकि यू का यू के रिस्पेक्ट से वन हो जाएगा तो एम बच जाएगा, और आपने यू की जगह एंड पे वापस पुट कर देना टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइड बाय एम प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो नाइन पार्ट है बेटा, इसमें नाइन पार्ट में जरा देखे हम, नाइन पार्ट क्या, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 2x over 1 minus sin x dx, ठीक है बेटा। इस पार्ट को आपने क्या करना है, इस फॉर्म में मतलब जो हम इसमें इस क्वेश्चन में जो हम स्नैलियो पढ़ रहे हैं वो आपने स्नैलियो सबसे पहले इसमें बनाना है। मतलब मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा, आपने इसको करना खुद है, देखे मेरी बात सुने बेटा, सबसे पहले आपने बेटा इसको रैशनलाइज कर लेना, इसमें पहले आप इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे उधर आप देखिएगा, फॉर्म बनाने की कोशिश कीजिएगा। मतलब ये है बेटा, मैं आपको एक वॉइस में बात बता देता हूँ कि इसको आप जो है जब मतलब कर लेंगे इसमें ऊपर वाले से नीचे वाले से, तो उसके बाद आपको इसमें थोड़ी सी समझ आ जाएगी कि आपने इसको किस तरह से इंटीग्रेट करना है, तो आपने इसको खुद ट्राई करना है, ठीक है। मैं आगे 10 पार्ट की तरफ मूव करूंगा। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। इस तरह का पार्ट मैं अभी पहले आपको करवा चुका हूं, मैंने क्या किया था जो नीचे है वही मैंने ऊपर बनाया था, तो बेटा इसको भी हम पहले जो नीचे है वही ऊपर बनाएंगे, मतलब वो फॉर्म बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखें 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स और माइनस 1, मैंने पहले 2 लिख दिया और एंड पे माइनस 1 लिख दिया, 2 में से 1 निकाल दे तो आपके पास 1 आ जाता, ठीक है। और यहाँ पे 2 प्लस एक्स पे ब्रैकेट लगा ले ताकि आपको पता चले जो नीचे है वही ऊपर बन चुका है, क्योंकि नीचे 2 प्लस एक्स की फॉर्म है तो ऊपर आप देख सकते हैं वो बन चुकी है, ठीक है। इज इक्वल टू इंटीग्रेट ई पावर एक्स, बेटा लगा लगा कर ले 2 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर और साथ में dx, ठीक है। ये देखें आप, ये एक फॉर्म जो है ये स्क्वायर से खत्म हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और साथ में dx, ठीक है। तो इधर से मैं रफ कर देता हूं क्वेश्चन, ये बेटा देखिए जरा बेटा, e पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, e पावर x 1 ओवर 2 प्लस एक्स माइनस ई की पावर एक्स 1 ओवर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे dx, ठीक है। अब देखें बेटा इसको हमने क्या लेना, देखें बेटा अगर हम 1 ओवर 2 प्लस एक्स को फंक्शन मान लें, ठीक है, तो मुझे बताएं इसका डेरिवेटिव क्या होगा। बेटा इसका डेरिवेटिव आपके पास होगा, मतलब इसको आप इस तरह लिख लेंगे 2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 2 प्लस एक्स की पावर माइनस 2, मतलब ये फॉर्म आप देख सकते हैं। इसको अगर आप नीचे ले जाएंगे पावर प्लस 2 हो जाएगी तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी, लेकिन इस फॉर्म के साथ तो हमें माइनस भी चाहिए, तो ये वाला माइनस हम हटाएंगे, यहाँ से प्लस लगाएंगे और इधर माइनस कर देंगे, मतलब ये चीज हमारे पास बन जाएगी f प्राइम x। अब ये अगर f प्राइम x है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा g ऑफ x, और अगर ये f x है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा g प्राइम x। इसको इंटीग्रेट हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आप देख सकते हैं ये पूरी चीज क्या बन चुकी है, प्रोडक्ट रूल बन चुकी है, मतलब डेरिवेटिव बन गया जी एक्स एफ एक्स का, ठीक है, और साथ में डीएक्स, डीएक्स डीएक्स से कैंसिल, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, आपका आंसर आ गया जी एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे जी एक्स जो है वो हमारे पास क्या है ई की पावर एक्स, और जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है वो क्या है 1 ओवर 2 प्लस एक्स और प्लस सी, ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गई है इस फंक्शन की, ठीक हो गया जी। अच्छा बेटा इसका जो है 11 पार्ट आप देख लें, ठीक है, 11 पार्ट आप यहाँ पे देखें जरा, 11 पार्ट क्या, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कोज एक्स और साथ में ई की पावर एक्स और डीएक्स, ठीक है। तो देखें बेटा मैं इसको ऐसा करता हूँ, कंप्लीट रफ कर देता हूँ पूरे को जी। बेटा इस क्वेश्चन को जरा देखें बेटा, इसमें देखें आपके पास देखें नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कोज एक्स। आप एक काम कर ले पहले बेटा, यहाँ पे हम इस ये क्वेश्चन भी वो फॉर्म नहीं बना रहा जो हम इस क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, वो फॉर्म इसमें बनाएंगे कैसे, देखें नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस कोज एक्स। बेटा आपको मैंने इंटीग्रेशन जब स्टार्ट करवाई थी तो मैंने आपको एक फॉर्मूला याद रखने के लिए बताया था साइन स्क्वायर एक्स का और कोज स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स मेरे पास होता था 1 माइनस कोज 2 एक्स ओवर 2, ठीक है, मुझे यहाँ से इस फॉर्मूले से 1 माइनस कोज एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 तक जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा
ये बन जाएगा 2 sin square x is equal to 1 minus cos 2x. अब यहाँ पे 2x है तो 2x को 1x बनाने के लिए 2 पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड इस तरफ भी और इस तरफ भी, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है लेफ्ट साइड पे करें तो राइट साइड पे भी करना पड़ता है, राइट पे करें तो लेफ्ट पे करना पड़ता है. तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस कोज एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये मेरे पास 1 माइनस कोज एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे करके पुट करनी है. और ऊपर आप देखें तो बेटा एक आपने फॉर्मूला ये वाला भी पढ़ा था साइन डबल एंगल का, साइन के डबल एंगल का फॉर्मूला था 2 साइन एक्स कोज एक्स फर्स्ट ईयर के अंदर. अब यहाँ पे अगर एंगल को 2 से डिवाइड करते हैं तो बेटा इस तरफ भी एंगल को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कोज एक्स बाय 2, ठीक है. तो बेटा ये आप सारी वैल्यू इंटीग्रेशन के अंदर पुट करें, 1 माइनस बेटा यहाँ पे साइन एक्स की जगह आप पुट करेंगे 2 साइन एक्स बाय 2 कोज एक्स बाय 2, और नीचे जो 1 माइनस कोज एक्स है उसकी जगह आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, साथ में e की पावर x है और यहाँ पे dx है, ठीक है. अब आप क्या करें इसको बेटा अलग अलग डिवाइड करें, 1 पे अलग डिवाइड करें 1 ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कोज एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, साथ में e की पावर x और dx, ये 2 खत्म. यहाँ से साइन साइन स्क्वायर से खत्म, आपके पास आ गया इंटीग्रेट 1 by 2, बेटा ये जो 1 over sin square है, इसको हम लिख लेंगे cosecant square x by 2 minus, बेटा यहाँ से बच गया cos over sin, ये हमारे पास equal होता है cot x by 2 के by e power x और dx is equal to integrate, बेटा e power x को अंदर multiply कर लें, e power x 1 by 2 into cosecant square x by 2 minus e power x cot x by 2 और dx, ठीक है. अब बेटा देखें यहाँ पे आप हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या है, ठीक है, और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, थोड़ा सा आप देखिएगा. बेटा देखें कोट एक्स बाय 2 का अगर आपसे डेरिवेटिव पूछा जाए तो कोट एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 और बाद में एंगल का डेरिवेटिव 1 ओवर 2. अब देखें और अब मतलब यहाँ पे फिर फंक्शन देखें कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 1 बाय 2, यहाँ पे अगर आप देखें कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू 1 बाय 2 तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मतलब 1 बाय 2 पहले लिखा है कोई बात नहीं, 1 बाय 2 अगर आप पहले लिख लेते हैं कोसिकेंट स्क्वायर बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो माइनस है वो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा. अगर आप इसका माइनस यहाँ से खत्म करेंगे तो माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे भी माइनस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो माइनस है इसको हम यहाँ पे प्लस बना सकते हैं और माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो ये हमारा जो है फंक्शन है, ठीक है, और ये हमारा जो है डेरिवेटिव है, ठीक है, दरमियान में प्लस है, ये हमारा जो है ये है जी प्राइम एक्स और ये जो ई पावर एक्स है ये हमारे पास जी ऑफ एक्स है. जब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या बनेगा बेटा, ये तो प्रोडक्ट रूल बन गया, मतलब डेरिवेटिव जी एक्स एफ एक्स और यहाँ पे साथ में डीएक्स, डीएक्स डीएक्स से कैंसिल, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया जी एक्स एफ एक्स प्लस सी. बेटा जी एक्स आपके पास क्या आ गया e की पावर x, fx आपके पास क्या आ गया माइनस कोड x बाय 2 प्लस c, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस e की पावर x कोड x बाय 2 प्लस c, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गई है. तो बेटा ये था आपका लास्ट पार्ट, मैंने इसका सिर्फ जो है इस क्वेश्चन मतलब इस लास्ट क्वेश्चन 5 में सिर्फ एक पार्ट आपको होमवर्क में दिया, वो आपने अच्छे तरीके से कर लेना है. अगर आपसे ना हो फिर भी आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, वो मैं सॉल्व करवा दूंगा. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है, साथ ही साथ आपकी एक्सरसाइज 3.4 भी यहाँ पे खत्म होती है. फिर यहाँ पे हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे.